प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनके पास पढ़ाई के अलावा टाइम नहीं होता है। लेकिन इनके अंदर फिकर थी। जब वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करने गए तो वहाँ पे पहले से आम आदमी पार्टी का विधायक और माइनॉरिटी विंग के लोग पहुंचे हुए। जो मालवीय नगर इलाका है उसका विधायक सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी का विधायक है, और जिन लोगों ने अजीम का मर्डर किया था वो सोमनाथ भारती के जानने वाले थे, उसका वोटर थे। तो सोमनाथ भारती को लगा कि अगर इन पे कार्रवाई हो जाएगी तो मेरा वोट बैंक कट जाएगा, इसीलिए सोमनाथ भारती ने FIR नहीं होने दिया, नाम से FIR नहीं हुआ। सिर्फ चार लड़कों की जिन्होंने अजीम पे अटैक करके मारा था उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनका भी नाम नहीं आया। होते दिन में छूट जाएंगे। उन चार लड़कों को जो उकसाया था मारने के लिए, मदरसे पे अटैक करने के लिए, सरोज नाम की महिला थी और कुल्लू नाम का मर्द था, उसका भी FIR नहीं होने दिया सोमनाथ भारती ने। और अफसोस की बात कि सोमनाथ भारती का साथ देने वाला यहाँ का विधायक और माइनॉरिटी विंग के लोग थे। जब हमारे जामिया के साथियों ने जो वहाँ पहुँचे थे जुमे बाद, उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर नाम से FIR क्यों नहीं हो रहा है, ये मुद्दा को क्यों दबाया जा रहा है, तो ओ सोमनाथ भारती हमारे साथियों के गले में हाथ लगाया, मुंह को दाब दिया, कहा भागो यहाँ से, जेल में डलवा दूंगा। उस सोमनाथ भारती को आज दिखा देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। आज मनीष सिसोदिया मुशायरा सुनने आ रहे हैं, उस मनीष सिसोदिया को हमें सवाल पूछना है कि मुसलमानों की ज़मीनें सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए और नंगा नाच के लिए नहीं है, मुसलमानों की ज़मीनें इंकलाब पैदा करती है। आपको ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, अगर इनको लगता है, इनको ये लगता है कि दूसरे लोगों का वोट आसानी से नहीं मिलता और मुसलमानों का वोट तो बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये BJP को हराने के लिए हमें वोट कर देंगे, तो इनको इस बार सिखा के रखना है कि तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा राजपाट, तुम्हें कोई वोट मिले या ना मिले, हमें मंत्री और विधायक और सांसद नहीं बनना है, ना ही CM बनना है। जो मैसेज जाएगा कि समाज के लोगों का कितनी भी हत्या होती रहे ये सवाल नहीं करेंगे, ये मैसेज सच हो जाएगा और इस्टेब्लिश हो जाएगा। ना कोई डरने की बात है, ना कोई परेशान होने की बात है, यह मुशायरा जामिया मिलिया इस्लामिया का मुशायरा नहीं है, यह मुशायरा उर्दू एकेडमी का मुशायरा है और इसमें मनीष सिसोदिया आ रहा है और उसके मंत्री भी आ रहे हैं। हमें सवाल करना है कि अजीम का इंसाफ कब मिलेगा, ये हम सोच ले कि हमें सवाल करना है या फिर हमें भी अपने मरने का इंतजार करना है। यहाँ से सब कोई मार्च करते हुए ओल्ड रीडिंग हॉल चले, वहाँ पे रीडिंग हॉल में अपील कर सिसोदिया ऑडिटोरियम में उसने आकर मुशायरा सुनने वाला है, हम उसको चैन से सुनने नहीं देंगे। जब और मुशायरा की बात आती है तो हमेशा इस्लामोफोबिया नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इस्लामोफोबिया नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे। समझ लिया ना? चलो वापस जाओ।